हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव के वो सेंटेंसेस जहां पर हम पैसिव वॉइस बनाते समय उनमें जो सब्जेक्ट होता है उनको नहीं लिखते हैं। तो एक्टिव वॉइस के अंदर जैसे यहां पे लिखा हुआ है, देखिएगा, निम्नलिखित सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं, देखिए, एवरी वन, एवरीबडी, सम वन, समबडी, नो वन, नोबडी, नन, एनी वन, एनीबडी, पीपल, पुलिस, ये सब्जेक्ट हैं जिनको हम पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं लिखते हैं। वहीं पर एक नोट आपको नज़र आ रहा है, लिखा यदि पीपल और पुलिस से पहले आर्टिकल द आ जाए तो पैसिव वॉइस में इन्हें लिखा जाता है। यानी कि अगर पीपल और पुलिस सिंगल दिया है तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर उसके पहले द आर्टिकल दे दिया गया है तो लिखा जाएगा। बाकी सबके साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इनको नहीं लिखा जाता है। लेकिन फिर भी एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर एवरी वन एवरीबडी सेंटेंस सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में उसको नहीं लिखा जाएगा। सम वन समबडी है तो उसको भी नहीं लिखा जाएगा। एनी वन एनीबडी है तो उसको भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन पीपल और पुलिस के लिए हमने बता दी कि अगर आर्टिकल द लिखा हुआ है तो फिर लिखा जाएगा। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है, तीन चीज़ें यहाँ पे देखिएगा, नन, नोबडी और नन, यानी कि नोबडी, यहाँ पे देखिएगा नन, नो वन, नोबडी, नन, अगर ये सब्जेक्ट है ना तो फिर लिखा तो इनको भी नहीं जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में ये होते हैं वो सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं। अब पैसिव वॉइस बनाते समय अगर हम इनको नहीं लिखेंगे तो इनको तो नहीं लिखना है, लेकिन जो नॉट का सेंस रहेगा वो गायब हो जाएगा। इसलिए नॉट का सेंस लाने के लिए आप पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें नॉट ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, पहला सेंटेंस अगर गौर करें, एवरीबडी लव्स ब्यूटी। अब इसका पैसिव वॉइस, भाई टेंस वही रहेगा जैसे कि पहले सीखते चले आए, बेसिक रूल में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। ये नई बात एक आ गई है तो उसको सीख लीजिए, बेसिक रूल में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये टेंस है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्प पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने किया यही है, ब्यूटी इज लव्ड, भाई ब्यूटी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और फिर हेल्पिंग हो गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस सीखते हैं, नोबडी हेट्स ब्यूटी। गौर करिएगा सेंटेंस के, नोबडी हेट्स ब्यूटी, तो लिखा है ब्यूटी इज नॉट हेटेड। भाई क्या करना था यहाँ पे, ये नोबडी तो हम लगा नहीं सकते, लेकिन अभी हमने शुरुआत में समझाया था कि यहाँ पे नॉट लगाना ज़रूरी अगर नोबडी, नन या नो वन है। देखिए नोबडी, नो वन, नोबडी, नन में कोई भी अंतर नहीं होता है। यहाँ पे नन लिखा होता तो भी यही होता, नोबडी लिखा होता तो भी होता, और नो वन लिखा होता तो भी यही होता। नेक्स्ट सेंटेंस है एनी वन कैन डू इट, तो इसका बनेगा इट कैन बी डन, बाई एनी वन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, समवन पिक्ड हिज पॉकेट, तो हिज पॉकेट वाज पिक्ड, भाई टेंस में देखते चल रहा हूँ, ठीक है, वाज यहाँ पे लगाया, और जब कैन में वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, ऑट, टू, यूज टू होता है तो वहीं पे बी जोड़ दे, तो मैंने बी जोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो भाई इसमें क्या है, देखो वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो होता है शब्द वही ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हमने लिख लिया इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए पीपल के पहले द नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमने बाय द पीपल नहीं लिखा, अगर होता द पीपल तो हम यहाँ पे बाय द पीपल लिख देते, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको भली भांति और अच्छे से समझ में आ गई है, तो इसको आप लिखिए अपनी फेयर कॉपी में और सीखिए अच्छे से, और सेंटेंसेज में भेजूंगा तो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और एक्सरसाइज बुक से भी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।